हेलो डियर फ्रेंड, तो एक बार फिर से आप सभी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी शिवा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, टॉपिक हमारा है वायरस, वायराइड, लाइकेन। इनके बारे में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी सेवा को ज्वाइन करें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमीयर इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि कैप्सो वायरस में जो कैप्सोमीयर का अरेंजमेंट होता है किस फॉर्म में होता है, हेलिकल, पोलीहेड्रल, कह रहे आइदर ए आर बी, या कह रहे नॉन डिफिनाइट, कोई डिफिनाइट उनका कोई निश्चित प्रकार नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, यानी कि आइदर ए और बी, यानी कि हेलिकल भी हो सकता है, पोलीहेड्रल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, लाइकेन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू सल्फर ट्राईऑक्साइड, या कह रहे सल्फर डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड, या ग्लोबल वार्मिंग। तो लाइकेन जो होते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा सल्फर डाइऑक्साइड का, वहाँ पे लाइकेन्स जो है ग्रो नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ हमारा बी। नेक्स्ट बात करते हैं, पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, एक डिजीज होती है पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये किसके द्वारा होता है। कह रहे हैं पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज ड्यू टू वायराइड के थ्रू, वायरस, बैक्टीरियम, या निमेटोड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, यानी कि वायराइड, वायराइड के थ्रू पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज नामक की बीमारी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वायराइड्स हैव, वायराइड्स होते क्या है, क्या रखते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट इंक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड, या करें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नॉट इंक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड, या करें डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड, या करें डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट इंक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड, यानी कि कहाँ है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वायरस वायरसेस एंड क्लोरोप्लास्ट बिहेव अलाइक इन दैट दे रिप्लिकेट इन लिविंग सेल्स ओनली, कह रहे हैं कंसिस्ट ऑफ डीएनए, ये कह रहे हैं लिव सेप्रोफिटिकली, ये कह रहे हैं रिप्रोड्यूस इन ए सेल फ्री मीडियम। वायरस एंड क्लोरोप्लास्ट बिहेव अलाइक इन दैट एट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का दैट इज ए, रिप्लिकेट इन लिविंग सेल ओनली, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका ए। मेजोरिटी ऑफ लाइकेन्स आर मेड अप, ज़्यादातर लाइकेन किसके बने, मेजोरिटी ऑफ लाइकेन आर मेड अप किसके बने होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैसिडियोमाइसिटीज, या करें ब्राउन एल्गी एंड हायर प्लांट्स, या करें रेड एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज, या ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं, HIV इज क्लासिफाइड इन एज ए रेट्रोवायरस बिकॉज इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कैरीड इन DNA इंस्टीड ऑफ RNA, या DNA, या करें RNA इंस्टीड ऑफ DNA, या करें प्रोटीन कोड। तो HIV इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का दैट इज सी, RNA इंस्टीड ऑफ DNA, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। कह रहे हैं कि दैट पार्ट ऑफ वायरस विच गिव्स इट हेरिडिटी इंटीग्रिटी, मतलब कौन सा वायरस में ऐसा पार्ट है जो हेरिडिटी प्रोवाइड करता है, कैप्सोमियर करता है, कैप्सिड करता है, न्यूक्लिक एसिड करता है, या न्यूक्लियोटाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज न्यूक्लिक एसिड, यानी करेक्ट ऑप्शन दैट इज सी। नेक्स्ट क्या है, विच आर फॉलोइंग फैक्ट डिफ्रेंशिएट द प्लांट वायरस फ्रॉम अदर वायरसेस, करें कि कौन सा डिफरेंस होता है इनके बीच प्लांट वायरस से अदर वायरस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, ऑब्लिगेट पैरासाइट, RNA इज द जेनेटिक मटेरियल, या न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, RNA इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी ऑप्शन इसका सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वायरसेस कॉज सेवरल डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, इन प्लांट द सिम्टम कैन बी, कह रहे हैं वायरस प्लांट में डिजीज कॉज करता है उसका सिम्टम क्या होता है, मोज़ेक फॉर्मेशन, डार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, या कहते हैं रीफ लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, ये कह रहे हैं एलोइंग एंड बैंड क्लियरिंग, या ऑल द अबव। तो जो भी ऊपर ऑप्शन में सिम्टम दिए गए हैं वो सारे वायरसेस से होने वाली बीमारी प्लांट में जो होती है वो दिए गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी। विच आर फॉलोइंग आर कॉल्ड एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें एसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताना है, वायरसेस एंड वायराइड,
वायराइड एंड लाइकेंस, लाइकेंस एंड वायरसेस, या वायरसेस वायराइड एंड लाइकेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, वायरसेस एंड वायराइड्स आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, हु रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज। फास्टर ने किया था, एवानोवस्की ने किया था, विजरिनिके ने किया था, या स्टेनले ने किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज एवानोवस्की, मतलब करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द कॉमन कॉमन कोल्ड फ्लू जिसको कहते हैं मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स, ये कुछ डिजीज दी गई हैं। इसमें से कह रहा है हाउ मेनी डिजीज आर कास्ट बाई वायरसेस इन ह्यूमन। इसमें से कह रहा है कुछ डिजीज बतानी हैं जो वायरसेस से होती हैं और ह्यूमन में होती हैं। तो कह रहा है कि तीन डिजीज होती हैं, इन ऊपर दिए गए इसमें तीन करेक्ट हैं, ये चारों, ये पांच, या सभी, मतलब सिक्स। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज कॉमन फ्लू, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एडस, सभी बीमारियाँ जो हैं ह्यूमन में होती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी, यानी कि सिक्स। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टल्स ऑफ वायरस कंसिस्ट लार्जली ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड हिस्टोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, प्रोटीन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा सी। नेक्स्ट क्या है, द वायरस विच कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, कह रहा है कौन सा वायरस है जो दोनों डीएनए भी रखता है और आरएनए भी रखता है। तो ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जो बोथ, मतलब दोनों जेनेटिक मटेरियल रखता हो, डीएनए एंड आरएनए। तो इसका इसमें क्या होगा, टीएमबी, बैक्टीरियोफेज, राइनो वायरस एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है, द कैप्सिड ऑफ वायरसेस प्रोटेक्ट द न्यूक्लियो प्रोटीन, कैप्सोमियर, न्यूक्लिक एसिड, या प्रोटीन। जो कैप्सिड होता है वायरस को, वायरस का कैप्सिड, वो प्रोटेक्ट किसको प्रोटेक्ट द, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, न्यूक्लिक एसिड को, कैप्सिड जो है किसको प्रोटेक्ट रखता है, और न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट रखता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन बैक्टीरियोफेज एंड फंजाई, कह रहे हैं बैक्टीरियोफेज और फंजाई में क्या कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, डीएनए, या ऑर्गेनेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी, वो सॉरी सी, यानी कि ऑर्गेनेल, सॉरी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज हमारा डीएनए, डीएनए इज द कॉमन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्या है, इन ए बैक्टीरियोफेज डीएनए इज प्रेजेंट इन, कह रहे हैं बैक्टीरियोफेज में डीएनए कहाँ पाया जाता है, हेड में पाया जाता है, टेल में पाया जाता है, या हेड और टेल दोनों जगह पाया जाता है, या इन टेल फाइबर्स ओनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज हेड, बैक्टीरियोफेज में डीएनए जो पाया जाता है ओनली हेड में पाया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी, फंजाई एंड एल्गी का जो एसोसिएशन होता है वही को वो क्या बनाते हैं हमारे लाइकेंस। तो एल्गी क्या करते हैं, एल्गी जो है फूड बनाते हैं, फंजाई क्या बनाते हैं, सेल्टर, यानी कि रहने के लिए मकान बनाते हैं, एक टाइप से रहने की व्यवस्था करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें 19 में, लाइकेन, माइकोराइजा, या राइजोम, या एंडोमाइकोराइजा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए। नेक्स्ट क्या है, वायरसेस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, कह रहे हैं डीएनए और आरएनए, ये कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए, कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए दोनों होगा, या कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है इसके बने होते हैं, ये कह रहे हैं प्रोटीन डीएनए प्लस आरएनए के बने होते हैं, ये कह रहा है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आ गया हमारा डीएनए और आरएनए, और प्रोटीन यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, वायरसेस जो हमारे बने होते हैं वो बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के। तो थैंक यू आप सभी को, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें भी डिस्कस करेंगे हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन। ठीक है, ओके।